वीएमयू कोटा के जून 2021 एग्जाम्स के फेज टू का टाइम टेबल कल जारी हो चुका है। साथ ही उसके बाद लगातार क्वेरीज आ रही थी कि सर हमारे एग्जाम्स कब होंगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे ये कौन सा टाइम टेबल है, किस सेशन में एडमिशन वालों का है, किन किन का इसमें एग्जाम लग रहा है। तो आपके एडिशनल का एग्जाम्स कब है ये वाले सारे में जो कन्फ्यूजन है वो दूर करूंगा। डिफॉल्टर वाले एग्जाम्स, एमए, प्रीवियस, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, उन सबके एग्जाम्स है, ये फेज टू के एग्जाम्स वाली वो सारी बातें मैं एक बार जीरो से आपके शुरू करके वापस सारी बातें आपके मैं क्लियर करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन के एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले साथियों, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप यूं ही पढ़ाई करें, आप जो भी काम कर रहे हैं बेहद अच्छे से करें और सफलता को प्राप्त करें। मेरी तरफ से आप सभी को, आपके और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों यहां पर आप देख पा रहे होंगे वीएमयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर कल शाम को जून 2021 फेज टू का टाइम टेबल जारी कर दिया गया। जैसे टाइम टेबल जारी हुआ था मैंने भी अपने टेलीग्राम चैनल पर भी आपको इसकी पीडीएफ उपलब्ध करवा दी थी। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का ही बेनिफिट है, हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों यहां पर इस एग्जाम के बारे में हम सामान्य से चर्चा करें साथियों, तो यहां पर इस एग्जाम्स के आगे लिखा हुआ जून 2021 फेज टू का एग्जाम। तो फेज वन के एग्जाम्स स्वाभाविक सी बातें सब हो चुके हैं, जो फाइनल वाले एग्जाम्स थे एक वर्षीय कोर्स थे उनके कुछ एग्जाम्स करवाए दिए गए थे पीजीडीसीओ को छोड़कर, तो वो सारे एग्जाम्स हो चुके हैं, वो फेज टू के एग्जाम्स, फेज वन के एग्जाम्स हो चुके हैं। अभी जो टाइम टेबल जारी हुआ है वो फेज टू के एग्जाम्स का जारी हुआ है। तो इसकी पीडीएफ में चलते हैं और इसको जाकर हम वन बाय वन जितने भी इशूज हैं आपके उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो एग्जाम्स हैं साथियों फेज टू के एग्जाम्स है, और ये जो एग्जाम हो रहे हैं आपके जून 2021 सीजन के हो रहे हैं। मतलब अगर आपने एडमिशन जुलाई 2000 किन किन के एग्जाम हो रहे हैं वो मैं सारी बात बताने वाला हूँ। फिर आप मैं जो बात वीडियो में बताता हूँ उसके लिए कमेंट्स आते हैं, मुझे बहुत ही मतलब बुरा फील होता है, क्योंकि साथियों मैंने जो बात वीडियो में बता दी उसको आपको वीडियो में देख के अच्छे से समझना, एक बार नहीं समझ में आती दूसरी बार देख लीजिए, मैंने सारी बातें अच्छे से मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, क्योंकि यही बात आप कमेंट्स में पूछेंगे तो मैं रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए जैसे टाइम टेबल फॉर एग्जाम जून 2021 का जो ये टाइम टेबल है वो जारी हुआ है, डेट शेड्यूलिंग। तो यहाँ पर अगर आपका एडमिशन साथियों यहाँ पर जुलाई 2020 में अगर आपने मान लो बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है तो आपका एग्जाम इसके टाइम टेबल में इसके अकॉर्डिंग आपका लगेगा जुलाई 2000, यहां पर लिख रहे हैं जुलाई 2020 में। अगर आप मान लो आपने सेकंड ईयर का प्रमोटिव फॉर्म भरा है, बीए है, बीएससी है या फिर जो भी है बीकॉम वगैरह, तो आपका एग्जाम इसके साथ लगेगा। या फिर जुलाई 2020 में आपने एमए प्रीवियस में एडमिशन लिया है तो आपका एग्जाम इसके साथ लगेगा। उसके बाद साथियों आपको यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ, जो जुलाई 2021 में एक अपने डिफॉल्टर फॉर्म भरे गए थे, जुलाई 2021 में डिफॉल्टर फॉर्म भरे गए थे, तो उसमें अगर आपने आपका जो डिफॉल्टर है एमए बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एमए प्रीवियस का अगर आपका डिफॉल्टर है तो आपके एग्जाम इस टाइम टेबल अकॉर्डिंग लगने वाले। और अगर आपके मान लो फाइनल का डिफॉल्टर भरा होगा जुलाई 2021 में तो उसका एग्जाम तो ऑलरेडी हो चुका है फेज वन में। यहाँ पर फेज टू का ये जो टाइम टेबल है इसमें बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और एमए प्रीवियस में डिफॉल्टर है तो वो आपका एग्जाम इसके साथ लग जाएगा। बाकी जुलाई 2020 में आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर अगर सेकंड ईयर का प्रमोटिव भरा होगा तो एग्जाम इसके साथ लगेगा, एमए प्रीवियस के एग्जाम इसमें हो रहे। उसके बाद एक कंफ्यूजन आते हैं एडिशनल वालों के। एडिशनल में साथियों अगर आपने मान लो बीए एडिशनल में या बीएससी जो भी एडिशनल है आपका उसमें अगर आपने जुलाई 2020 में मान लो एडमिशन लिया है वीएमयू कोटा के किसी कोर्स में एडिशनल वाले में, तो आपके जो फाइनल पेपर थे दो पेपर या मैथमेटिक्स के तीन भी होते हैं तो उनके एग्जाम्स तो आपके फेज़ वन में हो चुके हैं। और यहाँ पर जो इसमें जो फेज़ टू में जो आपके एग्जाम्स होंगे वो मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो सब्जेक्ट हैं उनके फेज़ टू के एग्जाम्स आपको फेज़ टू में लगने वाले हैं। आपको चार सब्जेक्ट के लिए एडमिट कार्ड भी जारी किए जाएंगे और आपके एग्जाम्स भी इसमें लगेंगे। आपके जो जो भी हैं एडिशनल के सब्जेक्ट जो बाकी है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले उनके एग्जाम्स लग जाएंगे। तो एडिशनल, डिफॉल्टर और ये सारी बातें मैंने लगभग क्लियर कर दी। उसके बाद हम टाइम टेबल पर भी आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर ये आपको तीन शिफ्ट में टाइम टेबल दिया गया, बाकी एग्जाम पैटर्न वाले भी हम बात इसमें करेंगे, लेकिन एक बार चलते हैं हम इसके जो एग्जाम सूटेबल आपके मटेरियल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, आप शॉर्ट टाइम में बेस्ट तैयारी करता है और हेल्पिंग मटेरियल के रूप में अगर आप बुक्स को पढ़ना चाहते हैं, ओल्ड क्वेश्चन बैक का है मतलब एक तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का संग्रह है, तो आजाद वन वीक सीरीज की आप हेल्प ले सकते हैं। वीएमयू कोटा के अलग अलग कोर्सेज के लिए बीए एमए बीएससी बीएड डिप्लोमा के लिए वन वीक सीरीज उपलब्ध है। इस पब्लिकेशन के जो हेल्पलाइन नंबर है इन पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, आपको श्योर रिप्लाई मिलेगा। उसके बाद आप वीएमयू की जो इसके अजयमेरू पब्लिकेशन की जो वेबसाइट है ajmeruvmubooks.com तो वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं, आपको इंडेक्स देखने को मिल जाएगी, वन वीक सीरीज का एक डेमो मिल जाएंगे। उसके बाद आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कैसे करना है उसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो उस वीडियो का भी आप लाभ ले सकते हैं। इन सब्जेक्ट में लगभग वन वीक सीरीज या तो तैयार हो चुकी है या तैयार हो रही है, लगभग आपके 115 टाइटल साथियों वन वीक सीरीज के तैयार हो चुके हैं। तो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप चाहते हैं तो वन वीक सीरीज का लाभ उठा सकते हैं। एग्जाम सुटेबल मटेरियल के साथ बेस्ट कंटेंट में आपको देखने को मिलेगा और आपके एग्जाम में
बेस्ट परफॉर्मेंस आप इससे दे पाएंगे। उसके बाद साथियों वापस हम बात करते हैं मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट, तीन शिफ्ट में आपके एग्जाम हो रहे हैं और एग्जाम पैटर्न का अगर हम अनुमान लगाएं, अभी ऑफिशियली कोई अपडेशन नहीं दी गई लेकिन आपके एग्जाम वापस वही है, डेढ़ घंटे का आपके हर पेपर आयोजित करवाया जा रहा है। तो डेढ़ घंटे का पेपर है मतलब वही सेम बात है जो फेस वन के एग्जाम का जो पैटर्न था वही रहने वाला है। पार्ट ए और पार्ट बी आपको देखने को मिलेगा, पार्ट ए में भी आपको आधे क्वेश्चन करने, पार्ट बी में भी आधे करेंगे, आठ में से चार, या फिर वो अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग हो सकता है, उसके लिए ज़्यादा इतना माइंड सेट नहीं लेना। पार्ट सी में जो निबंधात्मक क्वेश्चन होते थे बड़े 500 शब्द वाले, वो क्वेश्चन इस बार भी आपको नहीं देखने को मिलेंगे क्योंकि ये जो पेपर का टाइम है वो डेढ़ घंटे का ही है। तो पार्ट ए और पार्ट बी आपको देखने को मिलेगा, मोटा मोटी बात यही है। बाकी फेज वन के एग्जाम वाला जो पैटर्न है उसका वीडियो आप देख लीजिएगा तो वो सारी जानकारी इसमें आपको सेम देखने को मिल जाएगी। उसके बाद एक मोस्टली ये क्यूएस, क्यूसी, क्यूएसडी, क्यूईजी, इसके आपके जो पेपर होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, जो अनिवार्य पेपर है उन सारों के जो पेपर हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। बाकी इन सारे सब्जेक्ट के जो कोड है वो आपके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, यहाँ पर ये डेट लगी हुई है 1/12/2021 से जो एग्जाम होने का टाइम टेबल है वो जारी किया गया है और 28/12/2021 तक का ये जो है यहाँ पर अलग अलग डेट शीट में दिया हुआ है। अभी साथियों ये टाइम टेबल ऑफिशियली वीओएमई की तरफ से जारी हुआ है तो हमने आपको इसके अकॉर्डिंग में वीडियो बनाकर इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। हो सकता है स्वाभाविक सी बात है विश्वविद्यालय की तरफ से ये टेंटेटिव ही होता है, कभी कुछ अगर चेंजिंग हो जाएगी तो आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर अपडेट सबसे पहले देखने को मिलेगी, तो आपको उस ऐसा ध्यान देना क्योंकि पिछली बार भी लगभग 2-3 बार टाइम टेबल चेंज हुआ था तो संभावना रहती है कई बार टाइम टेबल चेंज हो जाए क्योंकि अभी काफी टाइम बाकी है, 1/12 से एग्जाम स्टार्ट हो रही है तो हो सकता है इसमें चेंज हो जाए। तो इसको आपको फाइनली नहीं मानना, वीओएमई के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो खबर से उसी को आप फाइनल माने और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहे, जो लेटेस्ट खबर होगी वो आपको मिल जाएगी। फिर आप अगर 10-15 दिन पहले की खबर के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो फिर वो कहीं ना कहीं समस्या आपके लिए खड़ी हो जाएगी। तो ये सब्जेक्ट के जो कोड है उसके अकॉर्डिंग देखकर आप पता लगा सकते हैं आपका टाइम टेबल कौन सा, स्टूडेंट मेन्यू में आपको सब्जेक्ट कोड मिल जाएंगे तो उससे आप सारी इसकी जानकारी मिल जाएगी। बाकी एडमिट कार्ड वगैरह जो भी अपडेट आएगी, बीएड वालों के भी इसमें एग्जाम हो रहे हैं, बीएड फर्स्ट ईयर वालों के भी, तो इन सत्रों में जिन जिनकी जो एग्जाम्स थी वो सारी बातें मैंने आपको लगभग बता दी। उसके बाद भी अगर आपकी कुछ क्वेरीज बच रही है साथियों तो आप कमेंट्स कर सकते हो, मैं इसका रिप्लाई करने की श्योर कोशिश करूंगा। मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, दीपावली मनाइए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।